वोट तो अरे बहन जी को जाएगा और कहाँ जाएगा, बहन जी को जाएगा, हाँ अखिलेश को नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, उन्होंने क्या चीज दे दी तुम्हारे विधायक, आज हम कहा का जब नंबर आवे तो उन्हें जेल में घुसवा दिया, किसने घुसवा दिया, इन्होंने ही घुसवा दिया और किन्ने घुसवा दिया, मोहम्मद यूसुफ साहब आप भी तो रखो, अच्छा तुरक और खासाब चल रहा है क्या संभल में इस बार, जी सब चल रहा है, हमें जो है गड्ढे फड्ढे ना मिल रहे हैं धान लगाने के लिए, तो हमने जो है चुन ली है जगह, वो कुंदर की से बिलारी वाला रास्ता जो है नहीं, वो सबसे ज्यादा गड्ढे उसमें ही है, तो उसमें धान लगाने हैं हम आपके, सड़क पे धान लगाओ, हाँ सड़क में गड्ढे हैं ना उसमें बहुत बहुत बड़े गड्ढे हैं कुंदर की से लेकर बिलारी तक और डिंगरपुर तक, तो उसमें हमें सोच रहे हैं कि बोले आपका जो है इसमें ही धान लगाएंगे हमें, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हमारी टीम कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि माहौल क्या है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और संभल लोकसभा के अंदर क्या माहौल है यही जानते हुए हम संभल के कुछ आवाम के साथ में खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने वाले हैं। मायावती ने शौलत अली को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर को, भारतीय जनता पार्टी ने परमेश्वर लाल को, आखिर कौन जीत कर पार्लियामेंट पहुँचेगा और संभल के आवाम की आवाज़ पार्लियामेंट में जाकर बुलंद करेगा, जनता से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ से जिताने वाले हैं, संभल के क्या मुद्दे हैं, क्या नाम है आपका? दिलशाद नावेरा तुरक बिराजे से। अच्छा दिलशाद तुर्क आपका नाम है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? इस बार तो बीएसपी जीतेगी संभल से, बीएसपी जीतेगी दलित और क्या मुसलमान सारे एक लब्बे इकट्ठे हैं और आज तक समाजवादी ने कुछ नहीं किया, विधायक यहाँ के रहे, एमपी यहाँ के रहे, सब समाजवादी के रहे आज तक यहाँ पे ज्यादातर, और कोई ना नवाईपाल ने कुछ किया ना डॉक्टर वर्ग ने कुछ किया यहाँ पर, और इस बार क्या है बीएसपी की लहर है यहाँ पर और दलित और मुसलमान सब इकट्ठा हो गए, 16 दलियों का चुनाव लड़ा रहे हैं, जम के लड़ा रहे हैं, 16 दली ही जीतेंगे यहाँ पर, 16 दली जीतेंगे। आपने देखा ना कितने लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के सांसद भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं कराए, काम ही ना हुआ यहाँ, कोई ना यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज वगैरह है यहाँ, ना कोई क्या कहें विकास सड़क का है, ना कोई ऐसा विकास है क्या कहें पब्लिक के लिए जो होना चाहिए, जो एमपी विधायक कराते हैं वो कोई काम नहीं है यहाँ पर। इस बार क्या कहें दलित और मुसलमान सब इकट्ठा हैं और वो तुरक बिराजी से हैं, वो कह रहे हैं सब तुरक बिराजी से हम जीतेंगे, जियाउर्रहमान एक बिराजी से कोई नहीं जीतता, सब समाज से ही जीतता कैंडिडेट, और 16 अली के साथ सारे बिरादरी सारे जाति के सब लोग उनके साथ हैं टोटल। अच्छा अच्छा सब बिरादरी साथ है या? सब साथ है। कौन से गाँव से? मूसापुर से जी। तो कहाँ जा रहे हैं वोट? वोट हाथी पे जा रही है। हाथी पे जा रहा है जी? क्यों, ये साइकिल पर? नहीं हाथी पे। हाँ एक ही बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब आप भी तो रखो। अच्छा तुरक और खासाब चल रहा है क्या संभल में इस बार? जी सब चल रहा है जी। आपका क्या नाम है? हम मौलाना अहमदुल्ला कासमी। क्या लग रहा है इस बार का माहौल आप बताइए, सच सच बताओ क्या है? माहौल ये है कि बीजेपी को हराना है। अच्छा। और बीजेपी जब भी हार सकती है जब मुसलमान और दलित एक जगह हो। हारिस मुसलमानों से हारती सन 2014 में हार जाती है। सन 2009 में बीएसपी और समाजवादी जुड़े रही थी, डॉक्टर साहब 1,74,000 से जीते थे। 14 में जब बीएसपी अलग हो गई तो हार गए। अच्छा। बगैर बीएसपी के कहीं कुछ होने वाला नहीं है, बीएसपी ही बीजेपी को हराएगी। अच्छा आपको लग रहा है बीएसपी दलित और मुस्लिम एक साथ आ चुका है? आ रहा है, आ जाएगा वक्त तक। और बहुत कुछ हो रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं। अच्छा अगर खालिस मुसलमानों से समाजवादी जीतती तो सन 2014 में जीत जाती, बीजेपी को हराने की वजह से ही काम हुआ है। तो इस बार बीजेपी को हराओगे? बीजेपी को हरा देंगे पक्का। 2022 में तमाम समाजवादी पार्टी को वोट दिया तब भी बीजेपी नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में? वो लोग विधानसभा थी, ये लोकसभा है, लोकसभा में फर्क पड़ता है। लोकसभा में हरा दोगे? हरा देंगे इंशाल्लाह। दादा क्या नाम है आपका? लल्लू सिंह। हाँ क्या लग रहा है इस बार? इस टाइम साहब मायावती जीतेंगी, प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ बिल्कुल साहब, प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री की बात तो बाद में है, पहले चुनाव हो जाए, कौन जीतता है क्या है। हाँ अगर कुछ सीटें आ गई तो फिर बहन जी का बनना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बहन जी को प्रधानमंत्री बनवा? बिल्कुल साहब। सांसद किसे चुनोगे संभल से? संभल से वो कुंदर के वाले जो नाम थे सोलह तली हाँ उन्हें ही वोट जाएगा जी। सोलह तली जियाउर्रहमान नहीं जीतेंगे जियाउर्रहमान को कोई विकास नहीं है यहाँ पर, उनके दादा का विकास ना तो उनका क्या हो जाएगा जी। हाँ हाँ क्या नाम है आपका? राम उतार। क्या लग रहा है आपको इस बार संभल का चुनाव, किस तरीके से देख रहे हो, त्रिकोणीय देख रहे हो या सपा भाजपा, किसकी लड़ाई है?
बसपा से लड़ाई है सबकी, बसपा मतलब आगा खात्मा रही है आपके, ये मुद्दों की लड़ाई है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ आज तक किसी भी मतलब यह जो भी यहाँ मतलब सपा के विधायक या एमपी या मंत्री तक रहे हैं, आज तक कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं करा, ना कोई समाज यहाँ मतलब यहाँ इसके जो यहाँ का जो मतलब वो है लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं है ना करा आज तक, कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा क्या मांगे हैं आपके इस बार सांसद जो बनता है उस? चाहिए कि हमारे मतलब इसका समाज का मतलब विकास हो, हमारे देश का मतलब इसका प्रदेश का विकास हो, और जो मतलब इस तरह से जनता मतलब भ्रमित हो रही है उन्हें लोगों को मतलब रोजगार मिले, किसानों को मतलब किसानों के लिए उनका कुछ भाव मिले, और यहाँ पे कुछ सुविधाएं हो जैसे मेडिकल की सुविधा है। संबल से किस संबल से? सोलत अली। जी चाचा कहाँ से हो? हम तो यहीं से गांव खबूपुर से। खबूपुर से कहाँ जाएगा वोट? तो अरे बहन जी को जाएगा और कहाँ जाएगा? बहन जी को जाएगा, अखिलेश को नहीं जाएगा? क्यों जाएगा, उन्होंने क्या चीज दे दी तुम्हारे विधायक? आज हम कहा का जब नंबर आवे तो उन्हें जेल में घुसवा दिया। किसने घुसवा दिया? इन्होंने ही घुसवा दिया। और किन्ने घुसवा दिया? फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। अजी बनवा रहे हैं प्रमाण पत्र। और हाँ और काय का? अखिलेश यादव को नहीं ना जवानी कुर्बान नहीं करवाओगे बच्चों की? काय की जवानी कुर्बान हमारे वो आजम खां को तो भीतर घूस दिया जवाब उन्हें क्या दंग में। अच्छा हाँ इसलिए नाराज हो? और ये क्या नाम है? मेरा नाम हरदास। क्या लग रहा है इस बार संभल का क्या मूड है? माहौल बढ़िया और अच्छा चुनाव विधान चल रहा है सोलत अली का, और अब की बार जीतेंगे। हाँ मोम दोनों का साथ, और ये मोम दोनों तो ये सोच लेना चाहिए कि समाजवादी के हमदर्द रहते हैं, और समाजवादी ने पूरे यूपी में मात्र 4 प्रत्याशी उतारे हैं, इन मोमदन समाज के 4 प्रत्याशी उतारे हैं, और हमारी बहन जी जो बीएसपी अध्यक्ष है उसने 20-22 प्रत्याशी उतारा मोमदन समाज से, लेकिन अब की बार ऐसा है कि मोमदन समाज आ रहा है और हमारी सीट ये जीतेगी। जीत रहे हैं जी। हाँ जी क्या नाम है? कल्लू सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपको? हमें आपका ये लग रहा है, हमें जो है गड्ढे फड्ढे ना मिल रहे हैं धान लगाने के लिए, तो हमने जो है चुन ली है जगह वो कुंदर की से बिलारी वाला रास्ता जो है नहीं, वो सबसे ज्यादा गड्ढे उसमें ही है, तो उसमें धान लगाने हैं हम आपके। सड़क पे धान लगाओ? हाँ सड़क में गड्ढे हैं ना उसमें, तो बहुत बहुत बड़े गड्ढे हैं ये कुंदर की से लेकर बिलारी तक और डिंगरपुर तक, तो उसमें हमें सोच रहे हैं कि बोले आपका जो है इसमें ही धान लगाएंगे, हमें कहीं टुकड़े उकड़े ना मिल जाए धान लगाने के लिए। तो ये संभल की आवाम है, इनका कहना है जो कुंदर की और बिलारी वाला रोड है उसमें ये धान लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर गड्ढे सबसे ज़्यादा हैं। संभल लोकसभा की जनता से हमने आपकी बात कराई है कि आखिर क्या माहौल है, समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से या फिर भाजपा से किस किस तरीके से नाराज़ है या खुश है, इन्होंने अपने अपने राय रखी है। आपकी क्या राय है आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। संभल से इस बार कौन जीतेगा और पहुंचकर पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ को बुलंद करेगा, आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस अल्फराज शेख के साथ। बहुत शुक्रिया।